सुहेल एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। सबसे पहले तो गाइस कैसे लग रहे हैं आपको हमारे ब्लॉग, ये बताइए, फीडबैक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम लोग अपनी वीडियोस के अंदर डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट ला सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि आज है मंडे, समय हो चुका है लगभग 10। फिलहाल मैंने शर्ट पहन ली है, पैंट मैंने अभी पहनी नहीं है इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं। पैंट मेरी वहाँ पर टंगी हुई है, देख सकते हैं अगर आपको, शायद आपको दिख जाएगी। कपड़े प्रेस मिले हैं मुझे सुबह उठने के बाद, और यहाँ पर हमें हमारा नाश्ता लग चुका है। नाश्ता जो लगाया है मोटी ने, शर्ट पहनी है पैंट नहीं, मैंने बता दिया। तो फिलहाल पहन के खड़े हो? हाँ, तो कोई बात नहीं, फिलहाल ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, इतने में काम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम उठ गए तो हमारे साथ ये मैगी और बुन्नो भी उठ चुके हैं। तो फटाफट से करते हैं नाश्ता, एक झलक नाश्ते की लेते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर चलेंगे ऑफिस की तरफ, रेडी वेडी होके बंटी शंटी प्रॉपर बन के, और फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली चाल में। तब तक जिन लोगों, जो लोग पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे अगले हर व्लॉग में। ओके बाय बाय। सो गाइस, यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट मिला है हमें, जिसमें हमें मिली है चाय, बिस्किट, ब्रेड और मक्खन और बुन्नी और मैगी। क्या क्या खाऊंगा मैं? नहीं जाना, यही रहो। ये हमारे गद्दे का बीच का हिस्सा है, जो कि एक बार हम लोग बाहर गए थे घूमने तो इन लोगों ने, ये देखो क्या हरकतें करती है, तो ये मैगी ने फाड़ दिया था। ये तो दोस्तों, टाइम अभी हो चुका है, मैं टाइम आपको दिखा दूं। फिलहाल टाइम हो रहा है 8:40, और यहाँ पर हमारे पास 2 कप चाय मौजूद है, क्योंकि हम ऑफिस आ चुके हैं घर। ऑफिस में फिलहाल कोई शूट नहीं हो पाया, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा काम होने के कारण ऑफिस में बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया वीडियो। तो फिलहाल हमने मॉर्निंग में हमने घर पर शूट करा थोड़ा सा, वापस हम घर पर आ चुके हैं। तो आज की दिनचर्या में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक नई डिवाइस परचेज की है, जिसका नाम है Poco X3 Pro with 8GB RAM and 128GB hard disk। ये कैसे देख रही है मेरी तरफ? ऐसे क्यों देख रही हो बेटी? ये मेरा है। अच्छा, हमने परचेज करा लेकिन है हमारा नहीं है, ये इसका है, दिव्या का है, ये इसने ही लिया है, इसकी इसी का फोन है, ये मेरा है। दरअसल हुआ क्या था, मैं आपको मैटर बता दूं कि आजकल ये जॉबलेस चल रही है, तो ये गई थी इंटरव्यू पे, और इंटरव्यू पे जैसे ये पहुंची वहां पे जाके ही इसका फोन हो गया डेड। और वो फोन ओप्पो का था A37, जो कि हमने 2016 में लिया था। तो इसके कारण हमने क्या करना, हमें तत्काल प्रभाव से इस फोन को लेना पड़ा। तो ये काफी अच्छा फोन है, इसके बारे में आगे मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खास है। तो पहले मैं अपना ये नाश्ता कर लेता हूँ, बिस्किट वगैरह, ये चाय वगैरह लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ अगली चाल में। तो तैयार रहिएगा एक बेहतरीन से प्रोडक्ट रिव्यू के लिए। ओके, तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:34, और मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइम खड़ा हूँ जावेद की दुकान में, जहाँ पे इस टाइम उजैद मौजूद है। हालांकि मैं यहाँ पर सामान लेने आया था, लेकिन यहाँ पे हमें मिली है बिरयानी, जिसे शाहरुख तोड़ रहा है। अच्छी लग रही है, अभी लेते हैं इसे रिव्यू जरा सा। तो शाहरुख का कहना है, पहले तो मक्खी उड़ाओ, यहाँ पे चटनी वटनी सब रखी हुई है, और इस लौंडे ने बुलाया हमें दावत पे, और दावत दी है इस वाले ने, तलहा ने, और शाहरुख खाते हुए। अबे पंखा बंद कर यार। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर रायते के लिए, रायते में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर दिव्या एक चम्मच में लेके जीरा, लाल मिर्च लेके, और ऑयल भी इसमें, और ये लगा रही है तड़का। देखते हैं इस तड़के को कैसा लगता है। ये अब तो छींटे भी आने लगी भाई साहब, गजब। ये हमारा खीरे का रायता तैयार हो गया है। फिलहाल अभी हम लोग खाएंगे थोड़ी देर में अपना डिनर, और फिर मिलेंगे आपसे अगली चाल में दोस्तों।
सो हे गाइस, मैं आपको बता दूं कि टाइम हो चुका है 1:10, और अभी इस टाइम मैंने अपने फोन को यहां पर लगा दिया है क्योंकि अंदर चल रहा था टीवी, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा यहीं पर अपना आखिरी वीडियो अपना जो है वो शूट कर लें। आखिरी वीडियो का मतलब ये है कि वीडियो का हमारा जो क्लाइमैक्स है, जो एंड है। तो गाइस, जो फोन हमने लिया है उसके बारे में मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं फिर किसी और वीडियो में उसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी अभी हमने लिया है तो हमें अभी उसका कुछ अच्छा खास रिव्यू पे पता नहीं है, क्योंकि शायद वो कल ही लिया है हमने। तो जैसे हम थोड़ा सा यूज करेंगे 7-10 दिन के अंदर, तो मैं आपको उसका एक अच्छा रिव्यू भी दे पाऊंगा। और इसके अलावा गाइस, ऑफिस से आना, ऑफिस जाना, और फिर सारी चीजों को मेंटेन करना, और हमारे पास 2 डॉग्स भी आप लोग जानते ही हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम वगैरह स्पेंड करते हैं। उनकी कुछ झलकियां आप ऑलरेडी वीडियो के अंदर देख चुके हैं। और उसके अलावा अपन थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लेते हैं, सिंगिंग तो नहीं मतलब गाना गुनगुना लेते हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक थोड़ा सा गाना गुनगुनाएं और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। और आपसे मेरा अनुरोध यही रहेगा गाइस कि अगर आप मेरी वीडियो पर यहां तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करके जाया करो यार, इतने सारे लोग देखते हैं, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, इवन कई सारे वीडियो पे तो अच्छे व्यूज भी हैं, 1,000 भी हैं, और किसी पे थोड़ा सा 200, 400, 500। तो गाइस यार, थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर दोगे यार वीडियो को, एटलीस्ट लाइक कर दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे ख्याल से आपका। बाकी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो यार जाहिर है कि हम भी आगे बढ़ेंगे, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो है ना। तो इस लड़ाई को जारी रखेंगे, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल हार नहीं मानने वाला हूँ, और कोशिश करूंगा कि आपको जो ब्लॉग्स हैं वो लगातार मिलते रहें विदाउट एनी गैप। और उसके अलावा तो चली रही है अपनी जर्नी, तो शुरू करते हैं कोई अच्छा सा एक संगीत और फिर मिलते हैं आपसे अगली चाल में। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉन्ग, और सॉन्ग कुछ इस तरीके का होगा। या तो मेरी यादों में, या तो मेरी यादों में आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना, कह रही है तेरी यादें दिल मेरा फिर बेकरार है, तुम मिलोगे हाँ मिलोगे दिल को मेरे एतबार है, माना के हंसी में यूं ही दिल लगी में ये दिल गया, हमें क्या मिला है तुम्हें तो मेरा दिल भी मिल गया, लेके प्यार आंखों में, लेके प्यार आंखों में आओ ना। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये सॉन्ग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो, अगर आपकी कोई फरमाइश हो, तो आप उसका सॉन्ग का भी आप नीचे नाम डाल सकते हैं, किसी के लिए डेडिकेट कराना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, ताकि हम आपके लिए एक डेडिकेटेड गाना अपलोड कर सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे छोटे छोटे नगमे गाएं और कुछ अच्छा सा माहौल बनाएं, आप लोगों को मजा आने लगे, और काफी पसीना आ चुके हैं मुझे क्योंकि पंखा बंद है, ताकि आप लोगों को नॉइस ना आए। बाकी अभी फिलहाल मेरे पास माइक वगैरह ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, तो धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जैसे सपोर्ट मिलेगा वैसे वैसे हम अपना सेटअप भी अच्छा कर लेंगे। इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर गाइस मिलते हैं जल्दी अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय, टाई 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 टाई।